भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए हैं। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग भी लग गई थी। यह हादसा शुक्रवार 30 दिसंबर तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत 108 को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया। अब यहाँ से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया है। बता दें कि पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे। इस हादसे के बाद ऋषभ पंत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया कि किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ और ये बचकर किस तरह निकले। यदि पंत कार से नहीं निकल पाते और जरा भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि घटना के बाद कार में भीषण आग भी लग गई थी। कार को भी खुद ड्राइव कर रहे थे। ड्राइविंग के दौरान उन्हें झपकी आ गई थी। यही वजह रही कि कार डिवाइडर से टकरा गई और ये बड़ा हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद बंद स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले। डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत के शरीर में ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। उनको हेड सर्जरी यानी सिर में चोट आई है। दाहिने पैर में फ्रैक्चर की संभावना। फिलहाल पंत को देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में रेफर किया गया। जांच के बाद ही बाकी चोटों के बारे में सही पता लग सकेगा। इसी खबर के साथ ऋषभ पंत से जुड़ी लव लाइफ और बशीर रौतेला की, जी हाँ दोस्तों, उनका भी रिएक्शन आ चुका है। और इस रिएक्शन पर उन्होंने एक पोस्ट की है हाल फिलहाल में, जो कि एक घंटा पहले की है। उसमें उन्होंने हैशटैग डाला है प्रेइंग, हैशटैग लव, हैशटैग यू वन और हैशटैग उर्वशी रौतेला। जी हाँ दोस्तों, लोगों का कहना है कि ये पोस्ट उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में की गई है और उनका रिएक्शन आया। उन्होंने इस पर अफसोस जताया, लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि इसमें उन्होंने बहुत अच्छे ड्रेस के साथ ये फोटो पोस्ट किया था, जिसके बाद लोग थोड़ा गुस्सा